सो so, मेरे प्यारे बच्चों हमने देखा व्हाट इज मीनिंग ऑफ बल्क मॉड्युलस ठीक है हम अभी बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर नाइन की इलास्टिसिटी की और वहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिफॉर्मेशन की अगर हम किसी बॉडी पर ऐसा फोर्स लगाते हैं जिससे उसका शेप चेंज होता है तो वो बॉडी उसके शेप चेंज का अपोज करती है तो वो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करती है अब ये जो सारे कॉन्सेप्ट है हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं हम लॉन्जिट्यूडनल वे में समझ सकते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक वे में समझ सकते हैं हम शेयर वे में समझ सकते हैं तो हमने तीन टाइप के मॉडुलस यहाँ पर डिफाइन किए हमने देखा बल्क मॉडुलस हमने देखा यंग्स मॉडुलस हमने देखा शेयर मॉडुलस जब हम बल्क मॉडुलस की बात करते हैं तो हमारे सामने पिक्चर आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की द बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इट कैन ऑल्सो डिफाइन एज द हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाई हाइड्रोलिक स्ट्रेन ओके आज हमारे सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग नया कॉन्सेप्ट आ रहा है और उस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी क्या कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी <coughs> okay. अगर हम कंप्रेसिबिलिटी okay. की बात करें तो वहां पर उसे हम के से डिनोट करेंगे हम यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी को के से डिनोट करेंगे इट इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई पीटा ओके सिंपली हम समझ सकते हैं कि अगर अगर कोई बॉडी जितना ज़्यादा उसके कंप्रेशन का अपोज करेगा अगर हम जैसे एक हमने बलून लिया ठीक है उस बलून में या तो हमने एयर फिल किया या फिर हम वाटर भी फिल कर सकते हैं तो जब हम एयर फिल करते हैं तो वो इजीली कंप्रेसिबल है क्योंकि उसका बल्क मॉडुलस बहुत स्मॉल होता है बल्क मॉडुलस स्मॉल होता है मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होगा वो ज़्यादा होगा उसी के अपोजिट अगर हम ए जो वाटर बलून है अगर उसको कंप्रेस करेंगे तो डेफिनेटली वो कंप्रेस बहुत कम होगा ओके okay. क्योंकि उसका कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है उसका बल्क मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा है तो अगर आपको कंप्रेसिबिलिटी को डिफाइन करना है तो इट इज़ डिफाइन एज इट इज़ डिफाइन एज द इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूल्स अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो डेफिनेटली इसका यूनिट जो होगा वो बल्क मॉड्यूल्स के अपोजिट होगा मतलब कि मीटर स्क्वायर पर यूनिट न्यूटन होगा ओके okay, और इसी की हेल्प से आप इसका डायमेंशन फार्मूला भी डिफाइन कर सकते हैं पर हमको यहाँ पर उसका जो डेफिनेशन है वो समझना पड़ेगा हम कुछ थियरटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं पहला कॉन्सेप्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूल इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी द रेसिप्रोकल ऑफ जैसा मैं आपको बता रहा था वही यहाँ पर लिखा रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूल इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी एंड डिनोटेड बाई के यहाँ पर उसको के से हम डिनोट करेंगे इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर ओके यहाँ पर ये यह डेफिनेशन बिल्कुल हम अच्छे से समझ सकते हैं इट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम तो यहाँ पर फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम दिस के इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी डिवाइडेड बाय प्रेशर व्हाट एवर द प्रेशर यू आर अपलाइंग बाई अपलाइंग यूनिट प्रेशर हाउ मच फ्रैक्शन द वॉल्यूम इज चेंजिंग ओके okay, अगर हम एक पास्कल का या फिर एक न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर किसी बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो उसके वॉल्यूम में कितना फ्रैक्शनल चेंज आता है उसको हम कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी <coughs> तो यहाँ पर ये थोड़ा सा यहां से रब कर लेते हैं क्योंकि यहां पर हमारे थियोटिकल कॉन्सेप्ट आने वाले हैं तो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी के का फार्मूला हमको लिखना है वन बाई बीटा एंड उसका डेफिनेशन हम यहाँ पर देख चुके हैं सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे सॉलिड uh, आर लीस्ट कंप्रेसिबल वेर गैसेस आर मोस्ट कंप्रेसिबल सॉलिड जो होंगे उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होगी और गैसियस सिस्टम जो होंगे गैसियस बॉडी जो होगी उनका कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी ये हमने एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम समझ चुके हैं गैसेस आर अबाउट मिलियन टाइम्स मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड मिलियन टाइम्स ज्यादा कंप्रेसिबल गेसेस होगी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देख सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी हैव लार्जर गेसेज हैव लार्ज कंप्रेसिबिलिटी विच वेरी विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर ओके अगर हम किसी गैसीय सिस्टम का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं घटाते हैं तो उसका कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा चेंज होगा तो यहां पर प्रेशर पे डिपेंड करता है नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज प्राइमरी ड्यू टू दाइट कपलिंग बिटवीन नेबरिंग एटम है ना हम यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि जो गैसीय सिस्टम होते हैं उनके एटम के बीच में इतनी टाइट कपलिंग नहीं होती है पर जो सॉलिड होते हैं उनके उनके एटम्स के बीच में उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की कपलिंग जो होती है जो बॉन्ड होता है बहुत टाइट होता है इसलिए वो इनकम्प्रेसिबिलिटी शो करते हैं बल्कि गैसियस जो है वो कंप्रेसिबिलिटी शो करते हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और हमने समझा एक और हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड आर आल्सो बॉन्डेड विद देयर नेबर बट नॉट स्ट्रांग एज सॉलिड ठीक है अगर हम लिक्विड की बात करें क्योंकि हम किसी भी मटेरियल को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं उनके स्टेट के अकॉर्डिंग सॉलिड होते हैं लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं तो लिक्विड की अगर बात करें और सॉलिड के रिस्पेक्ट में उनको हम कंपेयर करेंगे तो लिक्विड का कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड जैसे वाटर की बात करें और आयरन की बात करें तो आयरन जो होगा वो कम कंप्रेसिबल होगा और लिक्विड जो वाटर है वो ज्यादा कंप्रेसिबल होगा बट नॉट is stronger as solid the molecular in gases is very poor coupling their neighbors ठीक है जो हम already discuss कर चुके हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आज हमने यहाँ पर इस lecture में क्या सीखा इस lecture में हमने सीखा compressibility क्या होता है definitely if you are going for the board examination it may possible this compressibility question will come question आ सकता है define compressibility और अगर हम तीनों को कंपेयर करें इफ़ यू आर जस्ट कंपेयरिंग द सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस, हाउ यू कैन डिफाइन द कंप्रेसिबिलिटी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस ओके थैंक यू वेरी मच